मैं हूं स्मेलन सरे और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। खबर है चंदौली के चकिया से, जहां शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक बाइक में अचानक आग लग गई। ये तो संगीत हो रहा है कि घटनाक्रम में कोई जान जीत नहीं हुआ, अनिता एक बड़ी अनहोनी की घटी किया जाने इनकार नहीं होता। दरअसल पूरा मामला वार्ड नंबर 7 द्रुतनगर कॉलोनी का है, जहां सिद्धार्थ मौर्या किसी कार हेतु अपने परिसर बाइक में कोतवाली की तरफ जा रहे थे, तभी घर से कुछ ही दूर पर अचानक उनके बाइक में शॉर्ट सर्किट होने के कारण बाइक में आग लग पड़ी। बाइक में आग लगता देखकर आनंद फानंद में सिद्धार्थ मौर्या वाहन छोड़कर कूद पड़े और देखते ही देखते आग लगकर विकट रूप धारण कर लिया। मामला के जानकारी लोगों को तब हुई जब सिद्धार्थ सुरगोल मचाने लगे और सुरगोल की आवाज सुनकर आसपास के दर्जन लोगों संख्या में लोग एकत्रित हो गए और स्थानीय लोगों ने काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं स्मेलन सारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से, लोगों में कोरोना का डर दिख रहा है कम, जहां उत्तर प्रदेश में लोक में सभी दुकान और उद्योग को खोलने को लेकर काफी खुशी व्यक्त हुई। वहीं गाजीपुर से वाराणसी गोरखपुर होकर दो पहिया यूं चार पहिया वाहनों को साथ ट्रकों को तांता लगा गया, जिससे भारी जाम लग गया और साथ ही कड़ी धूप से भी लोगों का हलाकान दिख रहा। राहगीरों में मास्क का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, साथ ही शासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिससे पुलिस प्रशासन नाराज दिखी। विस्तृत महामारी को देखते हुए इस तरह के जाम को घातक सिद्ध कर सकता और जिले में कोरोना विस्फोट भी होने का भय है। मोहम्मद इसराज रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। कोविड 190 के तहत हुए दर्जनों लोगों का चालान, बाटामा टहनिया पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटलिया के निर्देशन पर बलुआ थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बलुआ क्षेत्र के बाजारों व गांव को भ्रमण करने के दौरान लगभग 100 लोगों का कोविड 190 के तहत, जो लोगों बिना मास्क लगाए टहल रहे थे, उनका चालान किया गया। वहीं जिनका चालान काटा गया उनको निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया गया। चहनिया मारुपुर तड़िया नदी महाराजगंज सहित दर्जनों गांव व बाजार भ्रमण करते हुए बलुआ थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कोविड 190 के तहत चालान कर मास्क वितरण करते हुए कहा कि जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर बिना मास्क गमछा टहल रहे थे उनका चालान किया गया है। वहीं मास्क देकर हिदायत दी गई है, अगर लॉकडाउन का उल्लंघन कर बिना मास्क लगाए बाहर निकले एक ही साथ कई लोगों को पाए गए, वहीं एक दूसरे के बीच दूरी एक मीटर से कम पाई गई, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अपने आप को लॉकडाउन के लिए निर्धारित किए गए नियमों का अंतर्गत रखें। लगभग सैकड़ों लोगों का चालान काटने का मास्क वितरण करने की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। वहीं लोगों पुलिस इस कार्रवाई से डर कर मास्क का प्रयोग करने पर मजबूर है। रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। पद के थाना मल्लीपुर के अंतर्गत मिर्जापुर चौराहा पर उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक चिकन अभियान चलाया गया है। इस चिकन में अभियान में जो लोग मार्केट में बिना मास्क लगाकर चल रहे थे उन लोगों का चालान किया गया। साथ ही साथ उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा मार्केट में चलने वाले लोगों को हिदायत दी गई, चाहे वो बाइक सवार हो या फिर पैदल चलने वाले लोगों को, सभी को मास्क अनिवार्य है कि वो मार्केट में आए तो मास्क लगाकर आए, वरना चिकन अभियान के अंतर्गत जो भी लोग बिना मास्क के पाए जाएंगे उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती से भुजो की स्पेशल रिपोर्ट। दूरी बनाना चाहिए, काफी दिनों से इनको समझाया जा रहा है, सरकार द्वारा दंड आरोप किया जा रहा है। वो बिना मास्क के चल रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, उन पर दंड लगाया जा रहा है ताकि मास्क पहन चलने के बाद हो जाए अपने जीवन को बचाएं।